यहाँ पे आप देख सकते हैं कारपेट लगाया गया है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो श्रद्धालुओं के पैर ना जले इसलिए यहाँ पे सुविधा दी गई है। ऐसे आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में। यहाँ पे दुकानें हैं, इसमें अभी कंस्ट्रक्शन का सामान रखा गया है और इसको नाम दिया गया है कार्तिकेय संकुल। यही साइड पंचगंगा घाट के पीछे अंडरग्राउंड सीवेज पंपिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, आप ये सामने देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं रैंप का कार कितनी तीव्र गति से चल रहा है। यहाँ सामने बनाया जा रहा है अंडरग्राउंड सीवेज पंपिंग स्टेशन, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। पानी पीने के लिए भी बनाया गया है, यहाँ पे व्यवस्था दी गई है। सामने आप देख सकते हैं आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगाई गई है और इधर बगल में एस्केलेटर सर्विस भी दी गई है। मैं जब भी आता हूँ हमेशा बंदी दिखती है हमको। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ब्लॉक को भी नाम दे दिया गया है त्रिमकेश्वर भवन नाम से। यहाँ से आप देख सकते हैं गेट पर कॉरिडोर है, इधर साइड का आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि इधर जो मंदिर बनना था उसमें कहाँ तक काम हुआ है। देख सकते हैं ये मंदिर है, ये जो गली जा रही है बगल से ये मणिकर्णिका घाट को तरफ जाती है। इस मंदिर पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कारीगरी की गई है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दोस्तों सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं ये भी महादेव जी का मंदिर है और नीचे आप देख सकते हैं नंदी जी की प्रतिमा लगाई गई, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। चलिए दोस्तों अब चलते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर का आपको व्यू दिखाता हूँ। यहाँ भी रेलिंग्स लगाई दी गई हैं जिसकी मदद से आप चल सकते हैं। ओल्ड एज वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत रहेगी इससे और बगल में जो यहाँ एस्केलेटर सर्विस बनाई गई है उससे यहाँ पे लोग दर्शन करके वापस घर की तरफ लौट रहे हैं। यहाँ सामने आप देख सकते हैं द्वार के अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं आप दोस्तों सामने आप जो ब्लॉक देख रहे हैं इसका नाम दिया गया है अमरनाथ संकुल और ये सामने देख सकते हैं जो मंदिर है ये मान धातेश्वर मंदिर है। इधर भी आप देख सकते हैं मंदिर है, मेरे ख्याल से महादेव जी की है क्योंकि नंदी जी की प्रतिमा आगे से दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। ये मैं श्योर नहीं हूँ कि महादेव जी की है क्योंकि नंदी जी की प्रतिमा है तो मैं गेस किया हूँ कि ये भी महादेव जी की होगी। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, सोने की तरह चमक रही है बिल्कुल। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने मान धातेश्वर मंदिर है। ये फूड प्लाजा है सामने ये और ये भारत माता की यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। ये सामने ब्लॉक को सोमनाथ भवन नाम दिया गया है और इसको रामेश्वर भवन। लॉकर रूम की सर्विस यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे आप अपने मोबाइल पर्स रख सकते हैं और जूते चप्पल को यहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा।
ये सामने आप देख सकते हैं, ये रानी अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा है। और इस इमारत को नाम दिया गया है अमृत भवन, और इसको दिया गया नाम, ये बुक सेंटर है, इसका नाम दिया गया है घृणेश्वर भवन। दोस्तों यहाँ सामने से आप काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ यहाँ से आपको। यहाँ सामने आप देख सकते हैं रानी अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा लगाई गई है, और यहाँ नीचे लाइट्स भी लगाई गई हैं जो कि मूवेबल लाइट्स हैं, जो कि अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं। यहाँ ऊपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे तारों पर लाइट्स लगाई गई हैं। मैंने रात का भी वीडियो बना के रखा है, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ फोल्डर का प्लेलिस्ट में जाके। और यहाँ पीछे मुमुक्षु भंग बनाया गया है, और ये श्री चंद्रगुप्त महादेव जी का मंदिर है, इसके आगे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, यहाँ सामने उसका बोर्ड भी लगा गया है, आप जूम करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टॉयलेट बनाया गया है, इधर सामने भी एक मंदिर है पर मुझे इसका नाम नहीं पता फिलहाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमारत को अमरनाथ संकुल नाम दिया गया है। मैं इस समय मान धातेश्वर मंदिर के जस्ट पीछे हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं ये है मान धातेश्वर मंदिर। दोस्तों सामने यहाँ आप देख सकते हैं गणेश भगवान जी की प्रतिमा लगाई गई है, और ये सीधे रास्ता जा रहा है, ये चल जाएगा आपको ललिता घाट पर नेपाली मंदिर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं रैम बनाया गया है यहाँ पे भी, और ये दुकानें बनाई गई हैं जिसमें भी कंस्ट्रक्शन का सामान रखा गया है। यहाँ सामने भी मंदिर बनाया जा रहा है, चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ से मैं। गंगा नदी का आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं, कितना बेहतरीन लग रहा है, और लाइट्स भी आपको नज़र आ रही होंगी जो पिलर पर लगाई गई है, देखिए सामने देख सकते हैं यहाँ पे छह मंदिर बनाए गए हैं, और गेटवे ऑफ कॉरिडोर का यहाँ पे गुंबद आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आपको नीचे चल के रैंप दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कार्तिकेय भगवान जी की प्रतिमा लगाई गई है, और इसको कार्तिकेय चौक नाम दिया गया है। यहाँ पे सामने जो इमारत दिख रही है उसको मानसरोवर नाम दिया गया है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्तिकेय भगवान जी की प्रतिमा लगाई गई है, और उस ऊपर जो इमारत है उसको व्यास भवन नाम दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कारीगर हैं यहाँ पे, जिनको सुपीरियर उनके काम समझा रहे हैं कुछ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेन खड़ी है, और इस समय मैं जा रहा हूँ ललिता घाट की तरफ नेपाली मंदिर पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यास भवन नाम दिया गया है इसको,
और यहाँ पे इस इमारत को नाम दिया गया है मल्लिकार्जुन भवन। यहाँ दीवार पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई है, ऊपर महाकाल जी की पेंटिंग्स बनाई गई है और नीचे गंगा घाट जी की, यहाँ गणेश जी की भी पेंटिंग बनाई गई है। यहाँ इमारत को पशुपति संकुल नाम दिया गया है इसको। यहाँ सामने आप देख सकते हैं नेपाली मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर। चलिए वापस चलते हैं। अब मेरे ख्याल से ऊपर ये सब गेस्ट रूम बनाया गया है लोगों के रहने के लिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।